गाइस तो यार कैसे हैं आप लोग, लाजमी से बताना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको जुम्मा मुबारक। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की टेक मार्केट को लेकर, लाइक नए स्मार्टफोन्स तो भाई आ ही नहीं रहे, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नो के एक नए अपकमिंग फोन के बारे में, जो कि काफी ज्यादा चीसा होने वाला। लाइक लिटरली फोन का डिजाइन बहुत ही ज्यादा ओपी है और फोन भी काफी अच्छा है। सारी चीजें आपको बताता हूँ डिटेल के साथ। बेसिकली टेक्नो पिछले काफी टाइम से मार्केट से गायब है। लाइक इनकी जो कैमन 19 सीरीज है वही अभी तक नहीं आई, जो कैमन 19 प्रो वगैरह है। और सुनने में ये कि यार जो कैमन 19 प्रो है वो 50,000 से ऊपर लॉन्च हो चुके हैं पाकिस्तान में, कुछ ऑनलाइन एक्सक्लूसिव है। खैर ओवरप्राइस है, बाकी देखते हैं जैसे मार्केट में आएगा आपको वीडियोस वगैरह देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जाके और भी क्लिक कर दें ताकि जैसे कोई ऐसी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब ये जो फोन है भाई ये है टेक्नो पोवा न्यू 2, कुछ इस नाम से ये आएगा। और इसके आगे लाइक आप 4G भी लगा सकते हैं। और टेक्नो पोवा जो 3 है उसके बारे में मुझे बड़े कमेंट्स आते हैं कि यार वो कब पाकिस्तान में आएगा। यार बेसिकली मुझे टेक्नो की समझ नहीं लगती कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। बट खैर ये फोन बहुत जल्द आ सकता है पाकिस्तानी मार्केट में, बिकॉज ये एक बजट फोन होगा तो शायद ये जल्दी लॉन्च कर दें। तो फोन की अगर बात करूं तो सबसे पहले तो आप इसका डिजाइन देखें, व्हाट अ डिजाइन यार, लिटरली बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लाइक गेमिंग लुक दे रहा है आपको, साइबर सी लुक आ रही है इस फोन को देखकर। आप क्या बोलते हैं कमेंट्स में लाजमी से बताना। उसके बाद में अगर फ्रंट की बात करूं तो कुछ 6.82 इंच का डिस्प्ले है, IPS LCD पैनल है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, बट 90Hz का रिफ्रेश रेट भी है, ये अच्छी चीज है। उसके बाद में फ्रंट पे आपको जो है वो 8 MP की सेल्फी मिलेगी, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, बाकी डिस्प्ले क्वालिटी वगैरह अच्छी होगी, आने पर देख लेंगे। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज जैसे अनबॉक्सिंग आएगी तो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और उसके बाद में डिजाइन मैंने आपको बता दिया, बहुत कमाल है। कैमरास की बात करूं, बैक पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, मेन कैमरा 16 MP का है, बाकी के जो दो सेंसर्स हैं वो टोटली बेकार होंगे, QVGA वगैरह जो भी इनको बोलना चाहे ये बोल लेते हैं। देखो फ्रंट 8 MP है, बैक 16 MP है, लाइक एवरेज सा फोन होने वाला है कैमरास के मामले में। उसके बाद में वेरिएंट की बात की जाए, 6+128GB वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा। एंड अगर बात करूं परफॉर्मेंस को लेकर तो मीडियाटेक का हीलियो G85। अब जायरो के बारे में मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, होप्स हो के हार्डवेयर बेस देखने को मिलेगा, पबजी वगैरह 40 FPS खेल पाओगे। एंड हाँ G85 अगर बजट में देखा जाए तो काफी ज्यादा एक कैपेबल प्रोसेसर है, चीजें जो है वो अच्छी अच्छी निकल कर आती हैं। उसके बाद में अगर बात की जाए बैटरी को लेकर, बिकॉज इसमें बैटरी नहीं भाई बैटरी आता है, इसमें आपको 7000mAh की बैटरी मिलेगी, 18V की फास्ट चार्जिंग, एंड आई थिंक सो के टाइप सी के साथ आएगा, सिंगल स्पीकर होगा। देखो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई नेक्स्ट लेवल चीज नहीं है, बट अगर ये बजट में आता है तो लगभग 30,000 के अराउंड, 30,000 से नीचे नीचे, तो फिर कुछ अच्छा फोन हो सकता है। बाकी टेक्नो पे डिपेंड करता है कि टेक्नो क्या करता है, और अगर ये 30,000 से ऊपर गया तो टोटली ओवर होगा। लेट्स सी क्या बनता है, आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं इस फोन के बारे में मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। बाकी अगर लॉन्च डेट वगैरह को लेकर बात की जाए तो फिलहाल ये कैमन 19 प्रो की कैंपेन कर रहे हैं, उसके बाद में मे बी ये जो फोन है नेक्स्ट मंथ में पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया जाएगा, बिकॉज बजट में इनकी ज्यादा डिवाइसेस अब रह नहीं गई, वो पुरानी हो चुकी हैं। तो जैसे कोई न्यूज आती है या फोन आता है तो अनबॉक्सिंग वीडियो आपको सारा कुछ चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यही थी आज की एक एक्साइटेड और शॉर्ट सी वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। गाइस वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून, देखते रहिए, तब तक के लिए बाय।